वो समय जब बच्चन परिवार के तीन बड़े स्टार्स एक दूसरे के साथ नजर आए थे एक ही स्टेज पर जमकर डांस गाना करते हुए। मैं बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइटम नंबर कजरा रे के बारे में, जिसमें मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी डॉटर इन लॉ ऐश्वर्या राय बच्चन साथ साथ में उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी नजर आए थे। जी हाँ, हम बात करें यहाँ इस रिपोर्ट में उन्हीं तीनों के बारे में, जिस पर स्टेज परफॉर्मेंस भी बड़ा ही धाकड़ अंदाज में इन तीनों ने दिया था कई बार, और यही कारण है कि आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं उस जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस को, जिसके बारे में हाल ही में अभिषेक बच्चन ने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये सॉन्ग। जी हाँ, बंटी और बबली उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म रही है, जिसमें अभिषेक की लेडी लव बनी थी रानी मुखर्जी, और तब अभिषेक की शादी नहीं हुई थी ऐश्वर्या राय बच्चन से, फिर भी ऐश्वर्या ने बतौर आइटम नंबर इस परफॉर्मेंस के लिए खुद को राजी किया और अपने होने वाले ससुर अमिताभ और अपने होने वाले पति अभिषेक के साथ स्टेज पर एक साथ रोमांटिक अंदाज में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। इससे पहले गाने की बात की जाए तो रोमांस पर्दे पर इन्होंने किया था, इसलिए अभिषेक बच्चन फिर हुए हैं अपनी पत्नी को लेकर एम्बैरस। दरअसल बंटी और बबली को लेकर हाल ही में अभिषेक बच्चन ने कहा कजरा रे, और यशराज फिल्म्स की तरफ से एक ट्वीट जो मिला था उन्हें उस पर जवाब दिया था अभिषेक बच्चन ने। यशराज फिल्म्स ने ट्वीट किया विच इज़ योर गो टू डांस सॉन्ग, जिस पर अभिषेक ने कहा कजरा रे। फिर क्या, अभिषेक बच्चन हो गए ट्रॉल। लोगों का कहना है कि कास्ट तो आपके घर पर ही मौजूद है, तो क्या आप घर पर ही डांस नहीं करेंगे? क्या दोबारा आप इस पर डांस करना नहीं चाहेंगे? फिर क्या, अभिषेक बच्चन को लेकर जब ये कहा गया यूजर्स ने कहा, तो यूज़र ने ये भी कहा कि सीनियर बच्चन साहब और जूनियर बच्चन साहब ने इस गाने को लोगों में बहुत पॉपुलर कर दिया है, फैंस भी काफ़ी खुश है। यूज़र ने कहा स्टार कास्ट तो आपके घर में ही है बच्चन साहब, क्या आप इसे दोबारा बना सकते हैं? मजाक में अभिषेक बच्चन को लेकर ये कहा गया, जिसकी वजह से खैर देखना होगा अभिषेक बच्चन अब इस पर लेकर क्या करते हैं, क्योंकि अभिषेक बच्चन के लिए वाकई में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था ऐश्वर्या के साथ दोबारा सॉन्ग करने को लेकर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।